निष्कर्म सिद्धि में छः नंबर श्लोक पर्यंत हुआ विचार, तृतीय अध्याय के सप्तम अध्याय का विचार चलेगा। सप्तम अध्याय 243 नंबर पेज मेरी वाली पुस्तक में 243 सबसे मूल में आया कि अनादि अग्रह व्यतिरेकेण भावरूपा अविद्या न विद्यते इति चोद्यांतरम उत्थाप्य ज्ञात्मना त्याजयेद बच इति उपस्कृत्या कश्चित्। देखो, ये जो अविद्या है, अविद्या की निवृत्ति होती है विद्या से। वेदांत का विचार करने पर जो ब्रह्म विद्या होगी, उसी ब्रह्म विद्या रूपी ज्ञान से अविद्या जो अज्ञान है उसकी निवृत्ति होगी। अविद्या का विरोधी विद्या है। ये जो अविद्या है ना, आप अनिर्वचनीय मानते हो, भाव रूप मानते हो, अनादि भी है और भाव रूप है, ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है, वो अविद्या है। अनादि काल से जानते हो, धन में ना अविद्या को जानते हो ना, अपने स्वरूप को नहीं जानना, ये अविद्या है, मूला विद्या। ठीक है, अहम ब्रह्म न जाना में, मैं शुद्ध ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, तो अज्ञान का भान हो रहा है। अरे भाव रूप कहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों मानते हो, अनादि तो है लेकिन ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान है। ज्ञान नहीं होना अज्ञान है, इसका मतलब अभाव है वो, है ना। इसलिए अज्ञान जो है ज्ञान का अभाव स्वरूप है, वो अभाव मानते हैं। इसलिए अनादि जो अग्रह, अग्रह मतलब ज्ञान का अभाव, ग्रह का मतलब ज्ञान, अग्रह का मतलब ज्ञान का अभाव, उसे अतिरिक्त कोई भाव रूप अनिर्वचनीय अविद्या हो ऐसा तो नहीं है, है ना। इसी प्रकार से शंका होने पर ये श्लोक है। तो ये जो आपने कहा कि ज्ञात्मना त्यजेत वचः, ये जो वेदांत वाक्य ज्ञान के द्वारा अविद्या को निवृत्त करता है ना, ऐसा सुन करके कोई कह रहा है जो अविद्या को भाव स्वरूप नहीं मानता है, अनिर्वचनीय जो नहीं मानता है, उनकी ओर से शंका बन रही है। देखो लिखते हैं, मिथ्या ज्ञान व्यतिरेकण आत्मा अनवबोधस्य अभावात् किम वाक्य न निवर्तते, ये इनका कहना है ना। मिथ्या जो ज्ञान है, भ्रांति ज्ञान मतलब, और अनात्मा में जो आत्मबुद्धि होना यही मिथ्या ज्ञान है, इससे कोई अतिरिक्त अनबोध मतलब अज्ञान, आत्मा अनबोध, अनबोध का अर्थ है अज्ञान। ज्ञान जैसे किसी को विषय करता है, इसी प्रकार अज्ञान भी विषय करता है, लेकिन अज्ञान का आश्रय भी होता है, अज्ञान का विषय भी होता है, धन में ना। जैसे अहम घटम न जाना में, यहाँ पर अज्ञान का विषय घट हो रहा है और अज्ञान का आश्रय आत्मा है, लेकिन यहाँ पर जो आत्मा को विषय करने वाला अज्ञान, यहाँ पर आत्मा ही अज्ञान का विषय है और आत्मा ही अज्ञान का आश्रय है, एक नहीं, ये विचार तो पहले हुआ ना। शुद्ध जो चेतन जो आत्मा है वही अज्ञान का विषय, मैं शुद्ध आत्मा को नहीं जानता हूँ, वेदांत में जो शुद्ध कहा गया, अकर्ता भोक्ता असंग नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, ऐसा आत्मा को मैं नहीं जानता हूँ, तो अज्ञान का विषय आत्मा हो गया और अज्ञान का आश्रय भी आत्मा ही है, पहले तो विचार हो गया ना। अज्ञान का विषय अथवा अज्ञान का आश्रय अनात्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञान तो अनादि है, अरे जो घटपटादि अथवा बुद्धि इत्यादि सब तो ही तो सादी है, ये
इसलिए अनात्मा अज्ञान का आश्रय नहीं होगा। और दूसरी बात ये है, अधिष्ठान तो सत्य होता है, बाकी सब तो मिथ्या है, इसलिए अविद्या का आश्रय बुद्धि आदि सब नहीं है, आत्मा है। ऐसा जो वेदांत में कहते हो वही ऐसा तो कोई सिद्ध है ही नहीं। आत्मा अनबोध, आत्मन अनबोध इति आत्मा अनबोध, ये देखो षष्ठी तत्पुरुष हुआ है कि नहीं, और सप्तमी भी हो जाएगा। आत्मनि अनबोध इति आत्मा अनबोध, मतलब आत्मा में आश्रित जो अज्ञान अथवा आत्मा को विषय करने वाला जो अज्ञान है, ऐसा तो भाई कहीं है ही नहीं, है ना। इसलिए किम वाक्य निवर्तते, ये वाद्य वेदांत वाक्य के द्वारा फिर किसका निवर्तन होगा, है ना। हाँ, क्योंकि तो ऐसी अनिर्वचनीय जो अज्ञान है ऐसा तो सिद्ध ही नहीं है, है ना। फिर अज्ञान क्या चीज़ है, अज्ञानम ही नाम ज्ञानाभाव, मूल में चल रहा है 243 पेज नंबर। भाई अज्ञान क्या है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, है ना। कोई विलक्षण अनिर्वचनीय हो, अनादि भाव पदार्थ हो, ऐसा क्यों अज्ञान नहीं है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, मतलब अभाव मान करके बोल रहे हो, है कि नहीं। तस्य च अवस्तु साहब्यत, भाई अभाव तो कोई पदार्थ नहीं है, है वो तो कोई वस्तु है ही नहीं, कुत संसार कारणतम, वो संसार का कारण कैसे होगा। संसार का कारण जो भाव पदार्थ होगा, अभाव पदार्थ तो होगा नहीं। और अज्ञान क्या चीज़ है, अभाव पदार्थ है ना, अज्ञान अभाव पदार्थ है, है? तो अज्ञान जो असत पदार्थ अभाव पदार्थ है उसे सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ये यहाँ पर कह रहे थे। देखो कैसे है ना, नहीं असतः सत जन्म इच्छते, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती है। सत से सत की उत्पत्ति होगी, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। असतः सत जन्म इच्छते, नहीं असतः सज्जन्म इष्यते, असत पदार्थ से मतलब अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, है ना। ऐसा कहना है, ऐसा सांख्य लोग भी मानते हैं, सांख्य लोग भी यही कहते हैं, सत से सत की उत्पत्ति होगी, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होगी, इनका कहना है। यदि असत से सत की उत्पत्ति मानोगे, है ना, तब तो फिर है तो फिर घाट की उत्पत्ति मिट्टी से कहीं की होगी, फिर घाट की उत्पत्ति मिट्टी से नहीं हो सकती, फिर हाँ अभाव यदि कहोगे, घाट का अभाव तो कहीं भी मिल जाएगा, पत्थर में भी घाट का अभाव है, तंतु में भी घाट का अभाव है, तो अभाव से किसी की उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना। इसलिए तंतु भाव पदार्थ है, इसलिए पट की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार से जो है मिट्टी घट भाव पदार्थ है, इसलिए घट की उत्पत्ति हो जाएगी, ऐसा मानता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए सत्कार ये बात मानते हैं, है ना। नहीं सतः सत जन्म इष्यते, अश्रुति भी कहते, देखो कुतस्तु खुलो सम्य एवं स्यात् कि हे सम्य, उदालक बोल रहे हैं श्रुति के तुको, हे सम्य, सौम्य का अर्थ प्रिय को भी सौम्य कहते हैं, प्रिय प्रिय, और शुद्ध को भी सौम्य कहते हैं, शुद्ध शुद्ध, हाँ दो होता है, है ना। जैसे यज्ञ में उसका अधिकार होता है जो शुद्ध है, अशुद्ध का यज्ञ में अधिकार नहीं होता है, है ना, ऐसा है। ये हे प्रिय, हे शुद्ध, कि कुतस्त खलु सम्य एवं स्यात्, ये कैसे होगा भाई, है ना। पहले तो कह दिया ना, असरे व सम्य दमग्र आसित, ऐसा शून्यवादी लोग को जो कहते हैं तो बोलते नहीं, असत से सत की उत्पत्ति नहीं होती, कथम असत सत जाए तो, हाँ पाठ देखो, और कथम असत सत जाएत, ऐसा पाठ है, असत से सत की उत्पत्ति भी कैसे होगी, ना कोई दृष्टांत है ना कोई इसमें प्रमाण है,
इति श्रुते इति। ठीक है, फिर शास्त्र में जो कहा गया असत, वो असत का है ना, असत असत से जो उत्पत्ति शास्त्र में कहा गया वो असत का अर्थ अव्यक्त लेते हैं, नाम रूप की अभिव्यक्ति जिस समय नहीं हुई थी, है कि नहीं, ऐसा जो असत है, नाम रूप की अभिव्यक्ति जिस समय नहीं थी, ऐसा जो अव्यक्त पदार्थ है उसी से ही जगत की उत्पत्ति होगी। इसका मतलब अभाव से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इति श्रुते है। तो ऐसा पूर्व पक्ष ने क्या वो कह दिया फिर, भाई अज्ञान कोई भाव पदार्थ नहीं है, अज्ञान अभाव पदार्थ है, ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है, इसलिए वेदांत जो है वेदांत का विचार करने पर जो ज्ञान होगा वो ज्ञान किसको निवृत्त करेगा, ज्ञान किसको निवृत्त करेगा, भ्रांति ज्ञान को निवृत्त करेगा, भ्रांति ज्ञान है ना, इससे अतिरिक्त कोई अज्ञान नहीं है, ऐसा मानता। और ठीक है, अत्र उच्यते, इसके ऊपर कहा जा रहा है, देखो अज्ञात एव सर्वोर्थः प्राग्यतो बुद्धिजन्मनः एकेनैव सतासंश्च सन्नज्ञातो भवेत् ततः। देखो कहते हैं सुषुप्ति काल को लेकर ही कहा जा रहा है, अज्ञान वहाँ पर स्पष्ट ही है, अज्ञान जो है भाव पदार्थ वहाँ पर स्पष्ट ही है सुषुप्ति काल में, ठीक है ना, जागृत में सपन में विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, घट ज्ञान है, पट ज्ञान है, मट ज्ञान है, ऐसा विशिष्ट ज्ञान होता है जागृत सपन में, क्योंकि मन का व्यापार हो रहा है ना। तो सुषुप्ति काल में क्या हो रहा है, सुषुप्ति काल में जो है वहाँ पर जो है किसी विषय का भान नहीं हो रहा है, लेकिन भान किसका हो रहा है, अज्ञान का प्रकाश हो रहा है, मैंने कुछ नहीं जाना, इसका मतलब भान किसका हो रहा है, अज्ञान का भान हो रहा है, ये अज्ञान का भान हो रहा है वहाँ पर, भाव पदार्थ अज्ञान है ना, ये यहाँ पर कह रहे हैं देखो, अज्ञात एव सर्वो अर्थ बुद्धि जन्मनः प्राक, बुद्धि है यहाँ पर विशिष्ट ज्ञान, घट ज्ञान पट ज्ञान, घट ज्ञान पट ज्ञान ये होने से पहले मतलब सुषुप्ति काल में है ना, सर्व अर्थ अज्ञान, किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, सभी विषय कैसा है, अज्ञात ही है, ठीक है ना। एकेनैव सतासंश्च, हाँ देखो वहाँ पर कौन है सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति काल में कितने पदार्थ है, सुषुप्ति काल में कितने पदार्थ है, दो पदार्थ है, ठीक है, दो पदार्थ कौन हो गए, कारण और कारण को प्रकाशित करने वाला साक्षी, सुषुप्ति का अधिष्ठान जो है कि नहीं, उसी समय सब उसी में ही सब कारण है, अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है वहाँ पर साक्षी, साक्षी स्वयं प्रकाश है और अज्ञान प्रकाश से है, अज्ञान की सत्ता साक्षी से है, अज्ञान का प्रकाश साक्षी से है, वो सत रूपे साक्षी, एकेनैव सता, एक सत ब्रह्म जो है साक्षी जो है उसी से ही क्या है सत, वो सत हो गया सांच, उसी से ही सत्तावान है, ठीक है ना। और उसका भान नहीं होता है, अज्ञातो संश्च सन अज्ञात भवेत ततः, ये देखो वहाँ पर देख परमात्मा के साथ एक तो होता है जीव, क्योंकि मन का लय हो गया ना, मन का जब कारण में लय हो गया, ठीक है,
तो जीव परमात्मा के साथ एक हो गया। एक होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए वहाँ पर भी स्वरूप अज्ञात है, स्वरूप ज्ञात नहीं होता है। स्वरूप का भान है तो संप्रकाश है, लेकिन उसका वृत्ति रूपी ज्ञान नहीं हो रहा है। मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, मैं अधिष्ठान स्वरूप हूँ, ये भान वहाँ पर नहीं होता है। विशेष रूप से है ना, सुषुप्ति के साक्षी का भान नहीं होता है। वहाँ पर यदि भान हो जाए तब तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी फिर, है कि नहीं? अज्ञान की वहाँ पर निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए अज्ञात भवे तत्, इसलिए अज्ञात जो साक्षी है, अज्ञात साक्षी ही अज्ञान को प्रकाशित करता है कि नहीं? सुषुप्ति काल में जो अज्ञान है उसको प्रकाशित कर, प्रकाशित किया किसने? साक्षी ने प्रकाशित। कैसा साक्षी प्रकाशित किया? अज्ञात साक्षी प्रकाशित किया। बात सुने कि नहीं? हाँ, इसलिए ज्ञान होने के बाद सारे जगत का जो बाद हो जाता है, सारा जगत का जो प्रकाश होगा है ना, किससे प्रकाश होगा? ज्ञात आत्मा से प्रकाशित होगा। बात सुने कि नहीं? सपना का प्रकाश हो रहा है, सुषुप्ति का प्रकाश हो रहा है, किस आत्मा से प्रकाशित हो रहा है? अज्ञात आत्मा से प्रकाशित हो रहा है। बात समझ में गई? है ना? और ज्ञान अवस्था में ज्ञात आत्मा से सबका प्रकाश होगा, मतलब मैं स्वयं प्रकाश हूँ, नित्य शुद्ध बुद्ध हूँ, इसी से सारा जगत का भास रहा, भान हो रहा है कि नहीं? ऐसा समझ लो। महादेव थोड़ी सी टीका है पूर्व पन्ने के साथ है। आयाम अर्थः 247 में बुद्धि जन्मतः प्राक, बुद्धि है ज्ञान, बुद्धि का मतलब यहाँ पर ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, अंतकरण से जो ज्ञान होता है ना उसको कहते हैं विशिष्ट ज्ञान, है ना? विशिष्ट ज्ञान जो बुद्धि है उससे उसका उत्पन्न होने से पहले प्राग जागृत स्वप्न में बुद्धि चल रही है, मन दौड़ रहा है, और क्या जागृत स्वप्न में, और मन का दौड़ना समाप्त हो गया सुषुप्ति में, फिर सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में जो है ना, हाँ समझ के रखो भाई, जागरण सपन में विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, ठीक है? हाँ, और सुषुप्ति काल में क्या हो रहा है? विशिष्ट ज्ञान नहीं हो रहा है कि नहीं? तो वहाँ पर इसलिए तो सुषुप्ति है, नहीं तो सुषुप्ति काय को होता है? सुषुप्ति नहीं तो हो ही नहीं सकता। सुषुप्ति क्या होता है? सुषुप्ति जागृत और स्वप्न में क्या अंतर होता है? तीन अवस्था है ना, स्थूल शरीर को लेकर के जागृत अवस्था है। तो जागृत अवस्था स्थूल शरीर को लेकर के, जिस अवस्था में ज्ञानेन्द्रिय का व्यवहार हो रहा है, रूपादि का भान हो रहा है, इसलिए श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा जिस अवस्था में शब्द आदि का भान होता है उसको कौन सी अवस्था कहते हैं? जागृत अवस्था कहते हैं। और जागृत अवस्था का अभिमानी को क्या बोलते हैं? विश्व। हाँ ठीक है, विश्व, बेष्टि में विश्व और समष्टि में विराट। है कि नहीं? ये और सूक्ष्म शरीर की अवस्था का नाम हो गया सपना अवस्था ले लो, और क्या? इसलिए जागृत अवस्था में जो व्यवहार किए हो ना, देखे हो, सुने हो, जो भी है, उसकी जब वासना रहती ना उसका रिकॉर्डिंग हो गया, मेमोरी कार्ड में रह गया, डाटा रह गया मन रूपी मेमोरी कार्ड में। है कि नहीं? फोटो लेते हो ना उसका डाटा रह जाता है मोबाइल में, मेमोरी कार्ड में, और क्या?
इसी प्रकार जागृत अवस्था में जो फोटो लेते हो ना सब, चक्षु से रूप का फोटो लेते हो, रसने इंद्र से रस का फोटो लेते हो कि नहीं, चाय पीते समय रस का फोटो लेते हो कि नहीं, बाला पहनते समय स्पर्श का फोटो लिए हो, उसका संस्कार पड़ा है, संस्कार रूपी डाटा है और क्या है, कहाँ पर, मन रूपी मेमोरी कार्ड में है कि नहीं है। जैसे फोटो वगैरह लेते हो, नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, चलो मोबाइल खोलो थोड़ा फोटो देख लो और क्या है, नींद नहीं आएगी तो यही तो करेगा व्यक्ति, मन बाहर नहीं जा रहा है और नींद भी नहीं आ रही तो क्या करेगा, भजन भी नहीं हो रहा है तो क्या करेगा, मोबाइल में खेलेगा और क्या करेगा इसी वगैरह जागृत पे नहीं जा रहा है कि नहीं, गाढ़ निद्रा भी नहीं हो रही है, भजन भी नहीं हो रहा है तो सपनों में जाएगा कि नहीं जाएगा, यही सपना है। सपनों कैसे होता है बोले, जागृत अवस्था में जो वासना है संस्कार, उस संस्कार को लेकर के है कि नहीं है, वो निद्रा अवस्था आ जाती है, निद्रा अवस्था में वही प्रतीत होता है, वो भी उसमें ही प्रारब्ध है ना, जैसा जैसा कर्म का फल मिलेगा ऐसे ही सपना दिखेगा, प्रतिकूल नहीं होगा ना। देखो भगवान की कैसी विचित्रता है, भगवान लीला कैसी है, भगवान सर्वज्ञ है ना। देखो अभी ये कर्म फल देने वाला है इस जीव के, इसलिए उनको ऐसा सपना आना चाहिए, भगवान जानते हैं ना सब, अभी ये कर्म जग रहा है इसलिए उनको ऐसा सपना आना चाहिए, इसलिए इसको कौन जान रहा है, जीव जान रहा है, जीव के हाथ में नहीं ना है, जीव के हाथ में अगर ये हो जाएगा तो बढ़िया बढ़िया सपना देखेगा, फिर प्रतिकूल सपना काय को देखेगा फिर, है कि नहीं। ये है सपना अवस्था है, तो सपना अवस्था सूक्ष्म शरीर को लेकर के होती है नहीं, और उसके अभिमानी का नाम क्या है, उसके अभिमानी का नाम क्या है, तेजस, समष्टि में हिरण्यगर्भ है ना, प्राण शक्ति को लेकर के तेजस बोल देते हैं, सूत्रात्मा भी कहते हैं, क्रिया शक्ति प्राण शक्ति को लेकर के सूत्रात्मा भी कहते हैं समष्टि में, और ज्ञान शक्ति को लेकर हिरण्यगर्भ कह देते हैं, ज्ञान शक्ति इच्छा शक्ति है कि नहीं। और सुसुप्ति अवस्था तो भाई कारण शरीर को लेकर के, किसको लेकर के, कारण शरीर को ले सुसुप्ति अवस्था में है ना, और सुसुप्ति अवस्था का अभिमानी का नाम क्या है, प्राज्ञ है, समष्टि में ईश्वर है, ठीक है। यही कारण शरीर, अविद्या को ही कारण शरीर कहते हैं और क्या, ठीक है। अनिर्वचनीय जो अनादि है, अविद्या है, उसको कहते हैं कारण शरीर, कारण इसलिए बोल दिया, स्थूल और सूक्ष्म का वो कारण होने से कारण बोल दिया, धर्म है कि नहीं। और शरीर क्यों बोल दिया, क्योंकि ज्ञान होने के बाद उसका नाश हो जाएगा, श्री हिंसायाम धातु है ना, श्री हिंसायाम है ना, श्रीयते यदि शरीरम, जो नष्ट हो जाए उसका नाम होता है शरीर, श्रीयते यदि शरीरम है ना, ज्ञान हो जाएगा तो कारण शरीर का नाश हो जाएगा, भाषण में कारण शरीर का नाश हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अज्ञान, अज्ञान तो रसी का भी अज्ञान है, अनादि अनिर्वचनीय जो अविद्या है उसको कहते हैं कारण शरीर, लेकिन कौन से अनादि अनिर्वचनीय अविद्या है, जो रसी का अज्ञान भी है, सीपी का अज्ञान भी है, उसको क्या कारण शरीर कहोगे, फिर कौन सी अविद्या, जो मूल अविद्या, मूला विद्या को कहते हैं कारण शरीर, मूला विद्या का नाम कारण शरीर है, बात समझ में, ऐसा होता है, ठीक है। देखो एक है कि अनेक है कारण शरीर, एक है, देखो स्वरूप को विषय करने वाली जो अविद्या है स्वरूप तो एक ही है, सबका स्वरूप तो एक ही है ना, ये स्वरूप को विषय करने वाली जो अविद्या है उसको कहते हैं कारण शरीर है भाई, क्या कहते हैं, कारण शरीर, स्वरूप कितने हैं, एक ही है, इसलिए स्वरूप को विषय करने वाले जो अविद्या है, मूला विद्या, एक है कि अनेक है,
एक ही है, एक ही यदि है तो जिसको ज्ञान होगा तो सबका सब मुक्त हो जाएंगे फिर क्या। एक ही यदि है तो एक को यदि ज्ञान हो गया तो अविद्या नहीं रही, तो अविद्या नहीं रही तो सब मुक्त हो जाएंगे क्यों भी। आप कह रहे हो अभी एक ही है, अभी कह रहे थे अब एक ही है, तो एक ही हो गया तो फिर एक मुक्त हो जाएगा सब मुक्त नहीं हो जाएंगे। अविद्या का स्वरूप एक ही है। अविद्या का स्वरूप एक ही और क्या फिर अनेक है, अनेक क्या है फिर, अंत करण में कैसे विभक्त होती है, प्रकट होती है, वो अलग अलग सबका अलग। वो तो सूक्ष्म शरीर हो गया। अंतकरण अव्यक्त हो तो सूक्ष्म शरीर हो गया, कारण शरीर अभी आप एक कह रहे थे है ना। अब मूला विद्या को बोलते हैं कारण शरीर, स्वरूप को विषय करने वाले जो अविद्या है ना उसको कहते हैं कारण शरीर, बराबर है कि नहीं। तो हैं वो यदि एक है तो हैं कारण नहीं रहा तो कार्य भी नहीं रहेगा तो सब मुक्त हो जाएंगे। तो पहले ही बतला थे ना आप लोगों को, ये मुख्य सिद्धांत है। मुख्य सिद्धांत तो कारण शरीर एक ही है, ये ध्यान में रखो, कारण शरीर एक ही है, मूला विद्या एक ही है, अनेक नहीं है। इसलिए मूला विद्या की निवृत्ति हो गई तो मुक्त हो गया। हाँ, एक मुक्त होगा कि सब मुक्त हो जाएंगे, सब मुक्त हो जाएंगे। अरे सब मुक्त हो जाएंगे भाई, सुनो। हाँ, मतलब सबसे ऊंची परिस्थिति से। पहले बताए ना, खूब विचार किए थे इसके ऊपर। जी जी सर। हाँ, भूलो मत, हाँ भूलो मत। इसलिए ज्ञानी के लिए सब मुक्त हो गए, ना कोई बद्ध रहा ना कोई मुक्त रहा, नित्य मुक्त आत्मा ज्ञान, ये मुख्य सिद्धांत है। इसलिए एक जीववाद ये मुख्य है, लेकिन जो नहीं समझ पाते हो ना है ना, उनके लिए क्या कहते हैं कि अविद्या अनेक कह देते हैं। हाँ, उसको फिर तुला विद्या ये संस्कार बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, संस्कार बोलते हैं। अविद्या एक होने पर भी, मूला विद्या एक होने पर भी उसका संस्कार अलग अलग है, हाँ ऐसा मानते हैं। एक इसलिए अनेक सूक्ष्म शरीर भी हो जाएगा और अनेक स्थूल शरीर भी हो जाएगा, ऐसा मानते हैं वो लोग, है कि नहीं। हाँ, इसलिए ये नाना जीववाद मानने में सरल होता है ना, क्या है, नाना जीववाद मानने में सरल होता है कि नहीं। इसलिए अविद्या को एक माल ये अनेक मान लेते हैं, इसलिए जिसकी अविद्या की निवृत्ति होगी वो मुक्त हो जाएगा, जिसकी अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी हाँ वो मुक्त नहीं होगा। इसलिए बंधन मुक्ति की व्यवस्था बनेगी है ना, गुरु शिष्य की परंपरा रहेगी, बात समझ में कि नहीं, ऐसा होता है। लेकिन मुख्य सिद्धांत तो एक जीववाद है, जो नहीं समझ पाता है उनके लिए नाना जीववाद एक प्रक्रिया है सब। मैं जैसा अधिकारी होगा ऐसे ही ना उपदेश करेंगे सबको, सबको समान दवाई देते हो क्या डॉक्टर लोग, सबको समान दवाई देते हो, नहीं देते हो ना। हाँ, किसी को ज़्यादा एमजी का देते हैं, किसी को कम एमजी का देते हैं। बोले नहीं डॉक्टर तो पक्षपात कर दे, अरे पक्षपात नहीं है भाई, तुम्हारा सामर्थ्य जैसा है ऐसे ना डॉक्टर इलाज करेंगे, पक्षपात नहीं करते। इसी प्रकार होता है अरे। चलो तो सुषुप्ति अवस्थायाम, ये सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति अवस्था किसकी होती है, कारण शरीर की होती है, धर्म है कि नहीं। आत्मा की कोई अवस्था नहीं, अवस्था त्रय विनिर्मुक्त कहते कि नहीं, आत्मा तो है जो तुरीय चेतन है, प्रपंचोपशमम तुरीयम कहते ना मांडुक्य में। प्रपंच जो होता है शरीर का होता है, उपाधि का होता है ना, और इसलिए आरोप करता है जीव है, बात समझ में ना, इसलिए सभी कल्पना है, कल्पना का जो अधिष्ठान है तुरीय चेतन उसमें कोई अवस्था नहीं होती, और उसको जो चौथी अवस्था भी कहते हैं वो भी कल्पना है, ये तीन की अपेक्षा से वो कल्पना है, बात समझ में। जैसे मान लो
जैसे जीवन मुक्त महापुरुष है कि नहीं, दूसरे की दूसरे सब अज्ञानी है, बद्ध है, उनकी दृष्टि से वो कहता है कि मैं मुक्त हो गया, कहता नहीं, मानता है, वास्तविक नहीं है। वास्तविक तो उनके लिए कोई बंधन है ना उनके लिए मुक्ति, बंधन भी कल्पना है तो मुक्ति भी कल्पना होती है, ये समझ कर रखो, ठीक है। सुषुप्ति अवस्थायाम सर्वो अयम अज्ञातः, सब अज्ञात है, वहाँ पर भान नहीं होता है, मन का व्यापार नहीं होता है। ज्ञान प्रागभाव अतिरिक्त न भाव रूपेण अज्ञान न आवृत, ये देखो भाई, तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, अज्ञान से आवृत है, ये स्वरूप का भान नहीं होता है ना, स्वरूप का भान नहीं होता है, विशिष्ट ज्ञान तो नहीं होता है, घट ज्ञान पट ज्ञान तो नहीं होता है सुषुप्ति में, लेकिन स्वरूप का भान भी नहीं होता है, वहाँ पर भी अज्ञान है, वहाँ पर भी है ना, यदि सता सम्य संपद्याम भाई सती संपद्य ना भी दो, अपने स्वरूप को स्वरूप में एकीभूत तो होता है लेकिन जानता नहीं है, इसलिए वहाँ पर अज्ञान है, ये मानना पड़ेगा। तो लिखते हैं पर ज्ञान प्रागभाव अतिरिक्त, तार्किक लोग क्या मानते हैं, अज्ञान कुछ नहीं, ज्ञान का प्रागभाव है, जैसे मिट्टी में घट उत्पन्न होने से पहले घट का प्रागभाव था, इसी प्रकार जागृत स्वप्न में ज्ञान होगा, घट ज्ञान पट ज्ञान विशिष्ट ज्ञान, और सुषुप्ति में ज्ञान का प्रागभाव, यही अज्ञान है, बोलते हैं ऐसी बात नहीं है। अभाव आत्मा को आवृत नहीं कर सकता है, धार्मिक नहीं, अभाव कोई आत्मा, अभाव कोई भाव को आवृत करेगा, आवृत नहीं करता है कि नहीं, हाँ, कौन आवृत करेगा, भाव पदार्थ आवृत करेगा, समझ में कि नहीं। अरे भाई मान लो दीवार के उस पार है, दीवार के भाव पदार्थ है ना, इसलिए वो आवृत हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ ऐसा है। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, उसमें कोई ना कोई मेघ है, इसलिए हमारे चक्षुपटल को चक्षुपटल के सामने आ गया, और कुछ भी यदि न हो तो आवृत कैसे होगा, लेकिन अभाव से भाव की भाव का आवरण नहीं होता है, भाव से ही भाव का आवरण होगा, इसलिए आत्मा ही भाव पदार्थ है और अज्ञान भी क्या है, भाव पदार्थ, मतलब भाव मतलब अभाव से विलक्षण, वास्तविक भाव नहीं है अज्ञान भी, लेकिन अभाव भी नहीं, अभाव से विलक्षणता है अज्ञान में, इसलिए अज्ञान को कहते हैं भाव पदार्थ, और ये बचने बोलते हैं ना ऐसा है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ज्ञान प्रभाव अतिरिक्त, ज्ञान का प्रभाव ही अज्ञान हो ऐसा नहीं, भाव रूपेण अज्ञान है ना, इसलिए अज्ञान एक भाव पदार्थ है, ये सिद्धांत चल रहा है भैया, उसी से आवृत अपने स्वरूप का आवरण होता है, स्वरूप का आवरण मतलब विशेष का भान नहीं होता है, सर्वथा आवरण नहीं होता है साक्षी का, है ना, सर्वथा यदि आवरण हो जाए तब तो अज्ञान को कौन प्रकाशित करेगा, इसलिए अज्ञान तो आत्मा से अज्ञान प्रकाशित है, ठीक है, समझ में कि नहीं, हाँ, कैसे आत्मा से प्रकाशित है, किस आत्मा से अज्ञान प्रकाशित है, अज्ञात आत्मा, अज्ञात आत्मा से अज्ञान प्रकाशित है, ठीक है ना, ज्ञात आत्मा से नहीं अज्ञात आत्मा से, स्वरूप का भान नहीं हो रहा है, अपना स्वरूप साक्षी होने पर भी उसका भान नहीं हो रहा है, उसी से अज्ञान प्रकाशित है। आ देखो बोलते कि अज्ञान भाव पदार्थ है सुषुप्ति काल में, है ना, तो इसमें क्या प्रमाण है, अनुभव हो रहा है, सुबह उठने के बाद जो स्मरण हो रहा है, मैंने कुछ नहीं जाना, ये स्मरण हो रहा है ना, मैंने कुछ नहीं जाना, तो किसका स्मरण हो रहा है, स्मरण उसी का होता है जिसका पहले भान हुआ होता है ना, अनुभूत जिसका भान पहले नहीं हुआ है उसका स्मरण होता है क्या, नहीं होता है, उसका स्मरण नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर न किंचित अवेदिशम, मैंने कुछ नहीं जाना, इति उत्थितस्य, ऐसा उठा जो पुरुष है कि नहीं, परामर्श दर्शनान, ऐसा परामर्श देखा जाए, परामर्श स्मरण, ऐसा स्मरण होता है,
है कि नहीं? हाँ, इले अनानुभूते तदयोगात, वो अज्ञान का यदि भान न हुआ होता सुषुप्ति काल में तो तदयोगात उसका स्मरण होता नहीं हो सकता है, उसका स्मरण नहीं हो सकता है कि नहीं? इसलिए देखो, धर्मी प्रतियोगी ज्ञानम बिना, जिसका स्मरण हो रहा है ऐसे धर्मी जो प्रतियोगी है उसका ज्ञान के बिना है ना सुषुप्ति में कैसे होगा? ज्ञान अवश्य, ज्ञान यदि ना हो तो अनुभवितुम अशक्यत्वाद, उसका अनुभव नहीं हो सकता भवन है ना। तत्सद्भावे च सुषुप्ति व्याघातया, अरे विशिष्ट ज्ञान यदि मानोगे आप, विशिष्ट ज्ञान यदि मानोगे तो सुषुप्ति कैसे होगी? जागृत में स्वप्न में विशिष्ट ज्ञान है और सुषुप्ति में विशिष्ट ज्ञान नहीं है। यदि सुषुप्ति में विशिष्ट ज्ञान मानोगे तो सुषुप्ति होगी? नहीं होती है। हाँ, नहीं होती है। धन में न अनुभूय मानस्य षष्ठ प्रमाण गोचरत्व अनुपत्ति है। ये देखो, सुषुप्ति काल में अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है। जो अभाव का जो भान होता है ना, वेदांती लोग अनुपलब्धि प्रमाण से मानते हैं। अभाव का जो भान होता है, जैसे भूतल में घट नहीं है, घट नहीं है तो घट का अभाव है। घट के अभाव का जो भान होता है ना, किस प्रमाण से होता है? वेदांत में अनुपलब्धि मानते हैं। वेदांत में छह प्रमाण मानते हैं। प्रमाण से ज्ञान होगा, यथार्थ ज्ञान, वो छः: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द प्रमाण है ना, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। ये छः प्रमाण होते हैं। अभाव का जो भान होता है वो अनुपलब्धि प्रमाण से होता है। धर्म है ना, ये बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। सुषुप्ति काल में जो भान हो रहा है हाँ, वो अभाव नहीं है, वो तो भाव पदार्थ अज्ञान है। इसलिए षष्ठ प्रमाण का चरत्व अनुपत्ति, वो षष्ठ प्रमाण क्या हो गया? अनुपलब्धि प्रमाण है। अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं है अज्ञान, बात समझ? हाँ, इसलिए सुषुप्ति में जो अज्ञान है इसका विषय है। सुषुप्ति काल में जो अज्ञान का भान हो रहा है, हैं, किस प्रमाण से जाना जा रहा है? छह प्रकार के प्रमाण। अब नहीं समझे शुक्ला जी? भाई, अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव का ज्ञान होता है, बात समझ में ना? जैसे भूतल में घट नहीं है तो घट के अभाव है। घट के अभाव का जो भान होता है वो अनुपलब्धि प्रमाण से है, बात समझ में ना? लेकिन सुषुप्ति काल में जो है, जो अज्ञान है वो भाव पदार्थ है, अभाव नहीं है, वो अज्ञान है ना। वेदांत में अज्ञान को अभाव पदार्थ नहीं मानते, भाव पदार्थ है। यदि अभाव कहेंगे तो फिर वो कारण कैसे होगा? वो उसका कारण शरीर मान रहे हो ना, अज्ञान को अब कारण शरीर मान रहे हो। स्थूल सूक्ष्म का कारण है अविद्या, इसलिए वो अभाव पदार्थ नहीं हो सकता है ना। तो भाव पदार्थ है कि नहीं? तो अज्ञान जो भाव पदार्थ है सुषुप्ति काल में है, उसका जो भान हो रहा है तो किस प्रमाण से ये विचार चल रहा है? किस प्रमाण से? प्रमाण से नहीं है, साक्षी से। क्या समय है? हाँ, प्रमाण से नहीं, साक्षी से है ना। साक्षी के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए, रस्सी में जो सर्प का जो भान हो रहा है, अयम सर्प है कि नहीं, भ्रांति है ना, ना है ना। तो यहाँ पर जो सर्प का जो भान हो रहा है आपको, किस प्रमाण से हो रहा है? किस प्रमाण से भान हो रहा है सर्प का? हाँ, प्रमाण से नहीं है, प्रमाण से नहीं होता है, साक्षी से होता है। धन भाई कि नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से सुषुप्ति में जो अज्ञान का जो भान हो रहा है वो प्रमाण से नहीं होता है, साक्षी से होता है।
साक्षी से होते हैं, है ना। अविद्या वृत्ति को लेकर साक्षी से हो जाते हैं, धर्म है कि नहीं। उसका संस्कार रहता है, अविद्या में ही संस्कार रहेगा और कहाँ रहेगा, अविद्या में ही संस्कार रहेगा। वो संस्कार उड़ने के बाद अंतकर्ण में आ जाता है, कारण है ना अविद्या। हाँ, वो कारण में जो संस्कार है, हाँ, वो संस्कार कारण में रहेगा। और उसका संस्कार जो है वो कहाँ पर आ जाएगा, उड़ने के बाद अंतकर्ण में आ जाएगा। अंतकर्ण में संस्कार होता है, अंतकर्ण में संस्कार ना होता फिर उड़ने के बाद स्मरण कैसे होगा, फिर स्मरण नहीं हो सकता। ये तात्पर्य है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं सुषुप्ति काल में जो अनुभूयमान जो अज्ञान है वो षष्ठ प्रमाण का विषय नहीं है, वो अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं है। ये बोलते हैं यहाँ पर षष्ठ प्रमाण गोचरत्व अनुपत्ति है, अभाव होता है अनुपलब्धि जो षष्ठ प्रमाण है वो उसका विषय है ना। अज्ञान साक्षी का विषय होता है सुषुप्ति काल में, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं।